हाय गाइस, आज आप लोग को एक वीडियो में शेयर करता हूँ। वीडियो पूरा एंड तक देखना और लाइक कमेंट शेयर करना। और हमारा ये चैनल में अगर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। और वीडियो जो आप लोग को शेयर करेगा, वीडियो पूरा एंड तक देखना। वीडियो आप लोग को आज में दिखाएगा और वीडियो का लास्ट में कुछ इम्पोर्टेंट कुछ दिखाएगा, आप लोग देखना। और उसका पहले मैं आप लोग को थोड़ा कुछ बात करके आप लोग को बोलूँ। तो 31st वीक में जो अर्निंग हुआ है, वही अर्निंग कमेंट आ रहा है, ये फेक है। तो भाई फेक इधर नहीं होता है, क्योंकि हम लोग काम करके आप लोग को बोल रहा हूँ। लेकिन आप लोग बोल रहा है फेक है, लेकिन ये सब फेक नहीं है, जेन्युइन ही है। आप लोग कभी भी ये कर सकता है, क्योंकि कमेंट में तो फेल, कमेंट में तो फेक दे रहा है। तो हमारा प्रॉब्लम नहीं है भाई, हम लोग काम करके आप लोग को दिखा रहा है। आप फेक बोलने से भी क्या है, नहीं बोलने से भी क्या है, उस प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम फेक ये सब नहीं करता है। 1 वीक काम करके आप लोग को शेयर करता हूँ बोल के आप लोग फेक बोलता है, इतना ही है। लेकिन फेक नहीं है, जेन्युइन ही है। कमाने वाला स्विगी में कमा रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और स्विगी में जो आदमी आया है वापस जाने के लिए नहीं होता है, काम ही करता है। और स्विगी में आज मेरा 4 साल रनिंग में है, तो इसके लिए मैं आप लोग को हॉट टाइम मैं शेयर करते रहता हूँ। अर्निंग वीडियो ये सब मैं हॉट टाइम आप लोग को शेयर करता हूँ। तो वीडियो में आज ही वीडियो का लास्ट में अर्निंग दिखाएगा, 9000 का अर्निंग हुआ है। उसमें मेरा कार्डिंग करके 8200 है, वो भी आप लोग को सामने दिखाएगा। 4 दिन काम किया है स्विगी में ओनली, और 2 दिन टारगेट ही नहीं किया है, और 1 दिन छुट्टी किया है। तो 4 दिन में 9000 हो रहा है अर्निंग। और ये महीना में भी ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर बहुत कम है फरवरी में। अगर ऑर्डर रहता है तो आप लोग का सामने 12000-14000 आप लोग का सामने में दिखाने वाला है। तो आप लोग को ये फेक नहीं बोलना, क्योंकि हम जेन्युइन काम करके आप लोग को शेयर करता हूँ। फेक क्यों बोल रहे हैं, ये सब फेक नहीं है। आप लोग फेक बोलने से दूसरा आदमी को क्या समझ में आएगा, बोलेगा ये फेक है। तो भाई काम करने वाला आदमी को पता है, वो कभी भी फेक नहीं बोलेगा। जो आदमी काम नहीं करता है, स्विगी में पता नहीं है, तो उन लोग को फेक ही बोलेगा। तो आप लोग स्क्रीन का ऊपर में दिखाएगा लास्ट वीक का अर्निंग। और आप लोग को रिजेक्ट करने से बहुत ये करके रिजेक्ट करना भाई, कस्टमर केयर भी रिजेक्ट मार देता है, चेक करता है जो इस दिन रिजेक्ट किया है। अगर आप एक कर दिया तो कस्टमर केयर और एक कर देता है। तो ऐसा करके हमारा इंसेंटिव भी खाता है ऐसा चक्कर में। तो मेरा ये वीक में रिजेक्ट नहीं है, एक ही रिजेक्ट मारा है मैं फ्राइडे। तो सैटरडे एक ही रिजेक्ट मारा है, और कस्टमर केयर शाम को और एक मार के दूसरा राइटर को दे दिया, रिजेक्ट भी कर दिया। तो इसका चक्कर में इंसेंटिव भी नहीं आता है और टारगेट भी नहीं होता है। तो रिजेक्ट आप लोग को अगर रिजेक्ट कर दिया तो बहुत ध्यान से करना। और 1 वीक में अगर पास का ऊपर रिजेक्ट चला जाता है तो वीकली इंसेंटिव नहीं मिलता, ऐसा बोल रहे हैं। हमारा पास भी एक ये आया है, तो आप लोग को भी लास्ट वीडियो में भी बताया, ये वीडियो भी बोल रहा हूँ। और एक साथ में 2 रिजेक्ट होने से जिसका इंसेंटिव है नहीं मिलेगा। और वीडियो का लास्ट में मैं अर्निंग आप लोग को दिखाएगा स्क्रीन का ऊपर, आप लोग देखना। ओके, हाँ गुड मॉर्निंग। आज पापा का छुट्टी है, आज ड्यूटी नहीं है। हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं ब्रेड से। हम लोग सा ये देखो छोटा वाला आ गया 5, और ये बड़ा वाला है
देखिए ये देखो 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 मुंह में कैसे लगे, देखो देखो ये ब्रेड ए चूटा वाला पकड़ लिया। अब लोग वीडियो देखना, तो ओके फ्रेंड्स, मैं स्क्रीन का ऊपर आया है स्विगी, आप लोग देख सकता है मैं स्विगी स्क्रीन का ऊपर आया है। ये देखो इसमें मेरा वार्निंग एक्शन है, लेकिन मेरा कोई वार्निंग नहीं है, आप लोग को ये भी दिखा दिया। और ये भी आप लोग देख सकता है, ये वीक पूरा जीरो है, ये फ्लोटिंग कैश है, और लास्ट वीक के कुछ 20 रुपीज़ एडजस्टमेंट आया है वही है। ओके फ्रेंड्स, तो अभी मैं आप लोग को दिखाएगा, आप लोग को क्या दिखाएगा, पहले ही आप लोग को दिखाएगा अर्निंग। तो ये आप लोग देख सकता है, ये महीना में 3 वीक कम किया है, अभी 4 नंबर वीक आया है, आप लोग देख सकता है। ओके, तो लास्ट वीक का अर्निंग आप लोग को दिखाएगा पहले ही। तो इसमें आप लोग देख सकता है पूरा संडे का अर्निंग है, संडे हमारा 3000 हुआ था, 800 डेबिट हुआ है ईएमआई के लिए, तो आप लोग देख सकता है। और इसमें भी आप लोग देख सकता है पेट्रोल इंसेंटिव मेरे को कितना मिला है, 152 रुपीज़, तो 6% देता है इंसेंटिव में। वीकली इंसेंटिव फुल टाइम 4.75 राइटिंग का ऊपर होने से 1000 रुपया देता है, और डेली इंसेंटिव 285, और डीपी मतलब डिनर पीक में 7 से 11 बजे तक 100 रुपया। तो ये पूरा संडे का अर्निंग है, आप लोग पूरा देख सकता है। और सैटरडे टारगेट नहीं हुआ है, आप लोग देख सकता है, फ्राइडे टारगेट हुआ है, आप लोग देख सकता है। ओनली फॉर ये वीक में आप लोग को सिंपली दिखा रहा हूँ, मंडे से लेके संडे तक 7 डेज होता है, 7 डेज में एक दिन छुट्टी है और 2 दिन टारगेट नहीं हुआ है, मतलब 3 दिन ठीक से काम नहीं किया है, 4 दिन काम किया है, आप लोग देख सकता है, 4 दिन काम करके हमारा अर्निंग, टोटल अर्निंग हुआ है 9000। तो 9000 में 858 रुपीस माइनस हो गया, तो 8000 मेरा टोटल अर्निंग है, आप लोग देख सकता है पूरा अर्निंग आप लोग को दिखाएगा। आप लोग एंड तक देखना, क्योंकि 800 रुपये माइनस है बोल के एडजस्टमेंट भी माइनस में है, तो आप लोग ये अर्निंग आप लोग देख लिया।